अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, वेलकम टू माय चैनल महक्स होम रेमेडीज़। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। नाज़रीन, कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट अराउंड द आइज़ ऐसी उभरी हुई खाल होती है जो हमें बताती है कि हमारा कोलेस्ट्रॉल लेवल ज़्यादा हो रहा है। ये एक तरह का अलार्म है। इसकी वजह यही होती है कि कोलेस्ट्रॉल लेवल आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता चला जा रहा है, यानी जंक फूड और मुर्गन ग़िज़ाओं से हमारा कोलेस्ट्रॉल लेवल की मिकदार ज़्यादा हो रही है। आँखों के गिर्द इस तरह की खाल उभरने लगती है जो कि एक तरह का फैट्स ही होता है। कोलेस्ट्रॉल इसकी एक मेन वजह है। इसके अलावा सम टाइम्स लिवर की प्रॉब्लम की वजह से भी उभर सकती हैं। इसके अलावा डायबिटिक पेशेंट के भी आँखों के गिर्द कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट हो जाता है। लिहाजा सबसे पहले तो आपको ज़रूर टेस्ट करवाने चाहिए कि आखिर इसकी वजह क्या है। यूजुअली कोलेस्ट्रॉल ही होती है। बाज़ लोग इसको लेज़र के ज़रिए भी रिमूव करवाते हैं, लेकिन इसका नतीजा ये निकलता है कि स्कार्स यानी निशानात रह जाते हैं या फिर स्किन का कलर उस जगह से चेंज हो जाता है। लिहाजा आज की वीडियो में मैं आपको 3 रेमेडीज़ बताऊंगी। पहली ये है कि हम इसको प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं, इसको और मज़ीद बढ़ने से किस तरह रोक सकते हैं उसके लिए है। इसके लिए आप 1/4 टेबल स्पून साबित धनिया ले लें और 1 कप आपको पानी लेना है। अब इन दोनों को अच्छे तरीके से उबाल लें। जब एक उबाल आ जाए तो आप चूल्हा बंद कर दें। मैं आपको दिखाती हूँ, मैंने उबाल के रखा हुआ है। इसका कलर थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। देखें, इस तरह से इसका कलर हो जाएगा। ये आपको रोज़ाना पीना है। ये कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट को बढ़ने से रोकेगा। इसके अलावा कोलेस्ट्रॉल बॉडी में बैलेंस रखेगा। इसके अलावा लगाने के लिए एक और बहुत ही मुफीद रेमेडी है। इसके लिए आप 1/4 टीस्पून आप नमक ले लें और 1 टेबलस्पून आपने अनियन का जूस लेना है, यानी प्याज का रस लेना है। इन दोनों को मिला लें। अब इस मिक्सचर को आपने अपने कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट पे अप्लाई करना है। कम से कम 3 से 4 घंटे तो ज़रूर लगा के रखें। आप ओवरनाइट भी लगा सकते हैं। इसके अलावा इसकी प्रिकॉशंस ये हैं कि इसको बहुत एहतियात से आप अपने आँखों के गिर्द लगाइएगा क्योंकि इसमें अनियन जूस है। इसके अलावा ए वी सी यानी एप्पल साइडर विनेगर, सेब का सिरका, ये बेशबहा फवायद का हामिल है। इसको भी कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट पर अप्लाई करें ओवरनाइट। इंशाल्लाह 2 से 3 हफ्तों में आपको फ़र्क ज़रूर महसूस होगा। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। वीडियो लाइक और शेयर ज़रूर करें। मज़ीद मालूमात के लिए प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करें। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।